हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है यहाँ पे सीईसी वर्सेस एन के बीच जो मैच होने वाला है इस मैच की वीडियो होप करता है आप सब ठीक होंगे और स्पेशली मैच को ग्रैंड लीग में ट्राई करना क्योंकि दोनों जो, जो टीम है वो थोड़ी स्ट्रांग टीम्स है एक पॉइंट टेबल्स पे सेकंड नंबर पे सीईसी की टीम थर्ड नंबर पे एन की टीम तो थोड़ी स्ट्रांग टीम जो दोनों में नजर आती है वो है सीईसी की टीम और जो इंग्लैंड में जितने मैचेस हो रहे हैं टी ट्वेंटी ब्लास्ट हो या इंग्लैंड सीरीज हो अभी तक पूरी रेन की वजह से वॉश आउट हो रही है तो मतलब पूरा हार्डवर्क एकदम से तो गोस्ट इन द वे बारह सारा का सारा हार्डवर्क बेकार जा रहा है तो वहाँ पे तो एकदम रेन ही जीत रही है हम तो जीत नहीं रहे रेन ही जीत रही है आजकल तो ठीक है करते हैं मैचों का वर्क इसमें आपको ग्रैंड लीग स्पेशली टारगेट करनी है तो आपको मैं कुछ प्लेयर हो गया आपको मैं स्टैट्स वगैरह बताऊंगा और आपको मैं पॉसिबल ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो आपको ट्राई करने हैं स्पेशल ग्रैंड लीग्स में स्मॉल लीग के पॉइंट ऑफ व्यू मैच को ज्यादा सीरियसली मत लेना और ग्रैंड लीग को टारगेट करने की ज़्यादा कोशिश करना और उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर आपको स्क्रीन पे नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा ड्रीम इलेवन डॉक्टर यह हमारे यूट्यूब चैनल का नेम नीचे देख लो आपको सिंपली हमारे टेलीग्राम के ओरिजिनल चैनल से जुड़ना है तो आपको सिर्फ दो स्टेप फॉलो करने हैं पहला स्टेप ये है कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में नीचे वीडियो के आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जैसे आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करोगे वैसे वो चैनल ओपन हो जाएगा देन आपको वो ज्वाइन कर लेना है ड्रीम इलेवन डॉक्टर के नाम से एक स्टेप तो ये हो गया दूसरा स्टेप नज़र ये आता है आ, केस बनता है कई बार कि कि जैसे कि कई बार केस बनता है कि जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो देन आप पे लिंक के थ्रू आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे लिंक वर्क नहीं करता तो डायरेक्ट आपको करना क्या है उस केस में आपको जाना है सीधा टेलीग्राम पे जहाँ सर्च करते हैं वहां पे लिखना पड़ेगा आपको डी आर ई एम इलेवन डी ओ सी टी ओ और ड्रीम इलेवन डॉक्टर सिंपली वहाँ जाके लिखना होगा और आपको तेरह हज़ार दो सौ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल दिखाएगा तेरह हज़ार दो सौ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे और ग्रैंड लीग में रैंक वन की फोटो लगी होगी वही हमारा टेलीग्राम चैनल फटाफट जाके ज्वाइन कर लो आपको फाइनल अपडेट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ वहीं शेयर होंगे तो आपको ध्यान और फाइनल अपडेट आपको वहीं मिलने वाले तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आते करते वीडियो को स्टार्ट तो यहाँ बात करते हैं मैं स्पेशली आपको बोल रहा और स्मॉल लीग को इतना सीरियसली मत लो ठीक है इन्वेस्टमेंट वगैरह के पर्पज से ग्रैंड लीग टारगेट करना और टेलीग्राम पे मैं अपडेटेड आपको जो अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर ऐसा है कि जो खेला नहीं है अगर वो खेलता है तो मैं उसके आपको स्टेट्स वगैरह टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा तो फिलहाल करते हैं यहाँ पे स्टार्ट एच सिंह तो स्टार्टिंग से अभी तक कोई मैच खेला नहीं तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है वैसे बताऊंगा आपको अगर इतने विकेट कीपर देख रहे हैं उनमें से सबसे बेस्ट विकेट कीपर आपको मैंने दो बताए हैं अभी तक वाई खान और एच सिंह ये दोनों बहुत बेस्ट विकेट कीपर हैं तो आपको मैं आई थिंक बताता हूँ वाई खान के बारे में आई थिंक जितने स्टार्टिंग के मैच देख लो ये इतने मैच निकल गए थे वाई खान को मैं हर वीडियो में कहता था कि वाई खान को एक मैच में ट्राई करना जिस दिन टीम ने इसको ओपन वगैरह प्रमोट कर दिया आपको जो डेफिनेटली कुछ अच्छा पॉइंट करके देखा अब जितने मेरी वीडियोस को ध्यान से देखेगा वो देख लेगा कि इतने पॉइंट्स पर किसी ने कंसिडर नहीं किया ये बारह परसेंट जब उसका सिलेक्शन था इतना शायद मेरा किसी किसी ने किसी ने से ट्राई करा होगा यहाँ पे देख सकते हो ओपन भेजा गया कितने पॉइंट देके गया गए कि मैच में तो इसलिए कहते हैं समय का और मतलब एक यूज होता है कि मतलब अब आप, आप, आपको मैंने जो बात की थी कि वाई खान जिस मैच में ओपन कर जाएगा उस मैच आपको अच्छा स्कोर करके देने वाला है तो इसने फिफ्टी प्लस स्कोर किया तो मैं अभी भी बोलूंगा स्मॉल लीग में आपको डेफिनेटली ये ट्राई करके जाना और सबसे स्ट्रॉग सबसे बेस्ट विकेट कीपर सेक्शन में आपको प्लेयर मिलेगा ये और दूसरी बात करते हैं एच सिंह खेलने नहीं अगर ये खेलता है तो इस ये भी अच्छा प्लेयर है बट अभी खेलने है उसके बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है ए अली और एस महमूद मोहम्मद की बात करें एस मोहम्मद को लास्ट तो लास्ट मैच में ओपन भेजा गया था एक मैच में अदरवाइज इसको इतने इंपॉर्टेंस दी नहीं गया था इसको रखो बाहर देन ए अली की बात करें ए अली को टीम ने इसको भी कुछ मैचेस में ओपन करवाया गया था तो फिर भी अब इतना इंपॉर्टेंस देने रही टीम तो नीचे ही आएगा और खेलेगा भी तो विकेट कीपिंग वैसे भी वाई खान कर रहे तो वाई खान हमारे जो विकेट कीपिंग करेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वाई खान जो लास्ट टूर्नामेंट रहा था तो उसमें इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी ओपन करते हुए तो इसलिए आपके लिए सबसे सेफेस्ट टर्म सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाला है वाई खान और सबसे अच्छा विकेट कीपर भी यही है ए अंगारे केला के वन पॉइंट आप देख के आप सोचना बस ज्यादा क्योंकि इसने सिर्फ दो से तीन मैच है बॉलिंग करी है विकेट कीपिंग तो करता नहीं है और बॉलिंग भी बैटिंग तो आती नहीं है तो सिर्फ बॉलिंग से ही अभी तक पॉइंट दिया एक मैच में इसने एक ओवर डाला जिसमें इसको दो विकेट मिलेगा थे, तो उस मैच मैच में इसको इसको पॉइंट मिले थे और एक अ, कलवारा मैच हुआ जिसमें ओवर जिसने दो मैच बॉलर तो नहीं है तो इसलिए इस ध्यान मत दो कंफर्म कि बॉलिंग मिलेगी नहीं मिलेगी इस में सबसे आपके लिए होने वाली वाई खान तो आप इसके साथ जाओ देन आता है, एम खान यहाँ पे लास्ट जो टूर्नामेंट रहा था बाफ फाइनेंशियल उसमें डबल सेंट, दो सेंचुरीज लगाई थी लगातार दो मैचेस में तो यहाँ पे एक फॉर्म में भी दिख रहा है अभी तक पूरे टूर्नामेंट में फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आ रहा है और लास्ट मैच तो में बॉलिंग नहीं करी पर रेगुलर हर हर मैच में कम से कम एक ओवर तो कर रहा है और किसी में दो ओवर ओवर भी कर रहा है तो स्मॉल लीग में सबसे सेफेस्ट चॉइस रहने वाली है और इवन ग्रैंड लीग में भी अच्छा प्लेयर है यह बात करते हैं मजुमदार ओपन करने आ रहा है कॉन्टिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है आई थिंक दोस्त तीन आई थिंक तीन फिफ्टीज तो मार चुका है टूर्नामेंट में काफी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा है एक बार अस्सी मारे दो बार पचास से ऊपर अच्छे अच्छे इनिंग्स खेली है देन जेड सरकार आता था जैड सरवार को टीम थोड़ा नीचे डाल रही है फर्स्ट डाउन और पहले मैच में साठ रन खेले जिसमें उसमें थर्ड डाउन बैटिंग करने आया था तो इसलिए बैटिंग के ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ पे आपको लेना है तो आपके लिए आई थिंक दो प्लेयर आपको ज़्यादा बेस्ट रहने वाले हैं अगर टीम इसे ऊपर बैटिंग के लिए प्रमोट करती है जेड सरवार को तो ये बेस्ट होने वाला है दो मैच में इसको अच्छी बैटिंग मिली और दो मैच में इसने फिफ्टी प्लस स्कोर किया है जेड सरवार ने ठीक है बट लास्ट दो मैचेज हुए हैं ए की टीम के जिसमें की टीम ने यहाँ पे आर रानी मिकेला को ओपन प्रमोट किया और ये दोनों मैचेस फ्लॉप रहे तो इसलिए इसमें इम्पोर्टेंस मत दो तो ओपन दो मैचों लगातार भेजने के बावजूद ये फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना आपको ट्राई करना है यहाँ पे जेड सरार और यहाँ पे एसओलहसन लास्ट टूर्नामेंट हुई एसओलहसन कॉन्टिन्यूस हर मैच में एक से दो विकेट निकाल के जा रहा था तो आपको सेफ जाना है तो आपको दो ऑप्शन ट्राई यहाँ आपको ट्राई करना पड़ेगा जेड सरवार और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एस ओलहसन तो इनमें से आपको एक लेना तो मैं बोलूंगा आपको ग्रैंड लीग में आपको इसको जरूर ट्राई करना है ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में थोड़ा सेफ जा रहे तो यहाँ पे जेड सरवार आपके लिए सेफ रहने वाला है सुरंगा ने पहले मैच में अच्छी बैटिंग करी थी पहले मैच में इसने आई थिंक फिफ्टी के आसपास स्कोर किया था और उसके बाद निस्फर्ष रन भेजा गया उसके बाद कोई परफॉर्मेंस अच्छी निकल की आइए नहीं अगर आपको प्लेइंग इलेवन में दिखता ही है ये क्योंकि एक घंटे पहले प्लेइंग इलेवन आती है तो आपको इसको मस्ट ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करके चलना है ठीक है सुरंगा को देन आता है यहाँ पे गुना शेखरा आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट ऑलराउंडर रहेगा एनसी की टीम का और लास्ट टूर्नामेंट में क्या प्लेइंग परफॉर्मेंस थी इसकी बट अभी ये थोड़ा इतना अच्छे फॉर्म में दिखने जितना इसकी कैपेबिलिटी है और खास कभी तो परफॉर्मेंस को अच्छे करी नहीं दो मैचिस में और फिर भी स्टिल ओपन करने आएगा और दो ओवर डालेगा यहाँ पे बात करें जी सिंह की तो जी सिंह एक मैच में एक या एक एक दो मैच में खेला उसके बाद खेला नहीं खेलता है तो ओपन करने आएगा प्लस दो ओवर जरूर करेगा उस केस में आपको इसको ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ट्राई करना इवन आप स्मॉल लीग में भी ले सकते हो पर ग्रैंड लीग में जरूर जरूर ट्राई करके चलना जी सिंह को टी सिंह खेल नहीं रहा सेम इसी कैटेगरी का प्लेयर है जी सिंह का बट अभी तक खेला नहीं इसके बारे में ज़्यादा तो बात करने का फायदा नहीं आई जमान का बैटिंग ऑर्डर नीचे और बॉलिंग करवाने नहीं रही टीम तो लास्ट टूर्नामेंट में तो अच्छी परफॉर्मेंस की थी एक मैच में इसने 50 प्लस स्कोर किए थे प्लस दो विकेट्स ली थी सेम मैच में बट इस टूर्नामेंट में बिल्कुल इसका फ्लॉप ना चल रहा है अभी तक देना आर पोलूरी की बात करें तो इसको ले सकते हो इसने आ, कल दो मैचेस में लगातार दो फिफ्टी मारी है वो भी नीचे बैटिंग करते हुए एक होता है कि ऊपर करते मार मारा नीचे थर्ड डाउन बैटिंग है फोर्थ पांचों छठे नंबर पे बैटिंग करते हुए अच्छी खासी फिफ्टी मार के जा रहा है और प्लस आ, एक एक या मिनिमम एक ओवर डाल रहा है और दो ओवर भी डाल रहा है तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए सबसे सेफेस्ट चॉइस और बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है यहाँ पे पोलूरी यहाँ पे बात करें जी शर्मा जी शर्मा मिडल ऑर्डर में सेकंड डाउन तक खेलता हुआ दिख जाएगा फर्स्ट सेकंड डाउन में खेलता हुआ दिखेगा और दो ओवर डाल रहा है और अच्छा प्लेयर है ये जी शर्मा भी आप इसको ग्रैंड लीग में एक टीम में जरूर ट्राई करना आपको मैं कॉम्बिनेशन दूंगा बाद में तो आपको वैसा कॉम्बिनेशन कुछ ट्राई करना पड़ेगा अगर कर ग्रैंड लीग टारगेट करनी है तो देन आता ए हुसैन को अपनी टीम में आप अनोवर हुसैन ने स्टार्टिंग के कुछ मैच में जितने मैच टाइम मौका मिला है दो ओवर डाल के गया था लगभग और विकेट निकल के जाता हर मैच में एक आधा अब अलंकी की बात करें अलंकी भी एक से दो ओवर डाल रहा है जहाँ पे जी सिंह के जाने वाला क्योंकि दो ओवर करने वाला प्लस ओपन करने वाला है देन आएगा आपके लिए आई रियाज यहाँ पे आई रियाज ने लास्ट मैच में फिफ्टी प्लस स्कोर करा पर मुझे लगता है रेगुलर बेस पे करेगा क्योंकि नीचे बैटिंग ऑर्डर था इसका और एक से दो ओवर डाल भी रहा है तो तीन ऑलराउंडर के सेक्शन में आपके तीन, से तीन, से तीन सेफेस्ट चॉइस तो ये होने वाले आपको चौथा ट्राई करना है यहाँ पर अगर जी सिंह खेलता है तो इसको ट्राई करना जी शर्मा खेलता है तो इसको ट्राई करना ग्रैंड लीग में एक टीम में तीन ये तीन तो ये लेके चलना ही चलना चौथा प्लेयर बता रहा हूँ कैसे करना है और एक चाहो तो एलंकी कर सकते हो और ए हुसैन को एक ग्रैंड लीग की टीम मतलब तो तीन चार पाँच चार तीन चार टीम बनाते तो ऐसे आपको ये आपको रोटेट करने पड़ेंगे प्लेयर्स को ठीक है तो अब आते हैं यहाँ पे और के सिंह खेल नहीं रहा खेलेगा तो मैं डेफिनेटली किसी बॉलर के ऊपर इसी को प्रेफर करने वाला क्योंकि एक बैट्समैन ही बहुत अच्छा है बहुत अच्छा ऑलराउंडर है के सिंह देन एल सिंह ने लास्ट मैच में दो ए, दो ओवर डाले इसमें एक विकेट मिला था इसे तो एल सिंह के वैसे स्टैट्स है छः मैच में ग्यारह विकेट्स आप इसको भी ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में थोड़ा सेफ जा रहा है तो क्योंकि कंटिन्यूस हर मैच में आर कुमार दो ओवर डाल रहा है और यहाँ पे एच रहमान ने पहले मैच में तीन विकेट ली थी ये भी दो ओवर डाल रहा है तो ये थोड़े सेफ एक चॉइस रहने वाले आपके स्मॉल लीग में और आपको एक ऑप्शन और देता हूँ और जी शर्मा जी शर्मा यहाँ पे अलंकी ले लो अगर आपको सेफ़ जाना है नहीं तो आप थोड़ा डिफरेंट करना चाहते था जी शर्मा के साथ जा सकते हो पर अलंकी कंटिन्यूस विकेट निकाल के दे रहा है तो एक कॉम्बिनेशन आपके लिए हो सकता है ग्रैंड लीग में इसमें कैप्टन कर सकते हो आप जी सिंह और गुना शेखरा एक आओ एक, हो गया आपके लिए ये टीम दूसरी टीम आपको क्या क्रिएट करनी है सिंपली आपको निकालना ही है ये जी शर्मा को निकालो यहाँ से ये जी सिंह खेलता है इसको ट्राई कर लेना फिर अभी तो खेल नहीं रहा उसके बारे में ज़्यादा बोलते नहीं आपको ओलंकी ट्राई करके चलना है और थोड़ा रिस्क और लेना चाहते हो क्योंकि रामी रानी भी खेला वो कंट्रीज टीम दो मैच में ओपन करवा रही है नहीं तो ऐसोलेसन को ट्राई करो देन बॉलिंग में आप चाहते हो तो केसिंग सिंह खेल नहीं रहा तो केसिंग सिंह खेल नहीं रहा तो यहाँ पर इसको एल सिंह को लो देन आप क्रिएट करो यहाँ पे टीम ए में कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करके चलो या फिर पॉलोरी को ट्राई करो जो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है पर बैटिंग ऑर्डर नीचे जाएगा इसलिए मैं इस दोनों के साथ करने वाला हूँ तो आपके पास दो तीन ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए स्मॉल लीग के लिए तो मैं आपको बोल नहीं रहा कि खेलो ज़्यादा पर फिर फिर भी बता के जा रहा हूँ जो खेलना चाहते हैं बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा आपके पास तीन बेस्ट ऑप्शन है ये तीन स्मॉल लीग के लिए ग्रैंड लीग में आप ये तीन तो रहेंगे ही रहेंगे इसमें आप जोड़ सकते हो यहाँ पे ज़्यादा कोई नहीं ग्रैंड लीग में पोलूरी को ट्राई कर सकते हो बस ज़्यादा किसी को ट्राई मत करना क्योंकि ये बैटिंग बैटिंग बैट्समैन को पूरा बेस करके ले सकते हैं मजूमदार अच्छी बैटिंग के तो जरूर कर रहा है इसको चाहो तो थोड़ा कर सकते हो बाकी के सिंह अगर खेलता हुआ दिखता है आपका बॉलिंग सेक्शन वाला तो उसको जरूर अपनी टीम में एक वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना है ग्रैंड लीग की टीम में तो फिलहाल जो मेरी टेम्प्रेरी टीम ये रहने वाली है और कैप्टन वाइस कैप्टन मैं स्मॉल लीग में चाहो तो ये कर सकते क्योंकि इनकी टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है सी सी की टीम सेकंड नंबर पर चल रही है और वाइस कैप्टन ऐसे कर सकते हो या वाइस कैप्टन ही कर सकते हो तो फिलहाल मेरी टेम्प्रेरी टीम ये नज़र आती है फाइनल टीम जो होगी वो आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे मिल जाएगी और मैं तभी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा कि फाइनल टीम अगर कुछ ज़्यादा चेंजेस होंगे तो मैं सिर्फ लीग के टारगेट और स्मॉल लीग में मैं खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहा इसलिए मैं आपको बोल नहीं रहा मैं भी सिर्फ ग्रैंड लीग खेलूंगा तो आपको कुछ ऐसा प्लेयर दिखता है जो आउट ऑफ मतलब अभी तो मैंने बताया उसमें से बाहर से खेल रहा तो आपको डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा उसकी स्टेट्स वगैरह तो इससे पहले आपको फिलहाल तो सी की टीम कुछ ऐसा बैटिंग ऑर्डर निकाल रही है आप देख सकते हो ये बैटिंग ऑर्डर के साथ आ रही है इसमें जी शर्मा यहाँ पे आ रहा है पोलूरी का बैटिंग ऑर्डर नीचे हो रहा है बट स्टिल यहाँ पे पहुंच के अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है और बॉलिंग में देखोगे तो इनके बॉलिंग ऑप्शन ये जी शर्मा कर रहा है पोलूरी कर रहा है अलंकी कर रहा है जी सिंह कर रहा है एल सिंह कर रहा है ठीक है सेम यहाँ पे अगर एन टी सी का बात करें तो यहाँ पे आने वाला मजूमदार ओपन कर रहा है जो यहाँ पे और लास्ट वैसे गुना शेखरा रेगुलर ओपनर है बस प्रमोट लास्ट मैच में वाई खान को कही जाता है जिन्हें परफॉर्मेंस करी है तो टॉप थ्री इनके ये रहने वाले हैं बैटिंग ऑर्डर में और बाकी नीचे चेंजेस हो सकते हैं कोई भी आ सकता है ऊपर प्रमोट करने बैटिंग में इसको प्रमोट करना चाहे टीम बाकी यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं गुना शेखा ने एक डाला है मुझे लगता है कल दो पूरे डाले क्योंकि सामने अच्छी टीम है आर कुमार डाल रहे हैं अब दो बार उल्लसन डाल रहे हैं यहाँ पे है, एच रहमान डाल रहे हैं रियाज कभी कभार एक, एक डालता है कभी दो डालता है और मियाँ का इतना कन्फर्मेशन नहीं है फिलहाल मेरी टेम्परेरी में रहने वाली फाइनल टीम जो होगी आफ्टर टॉच टेलीग्राम पर मिल जाएगी कुछ चेंजेस वगैरह होंगे तो उससे पहले हमारी मतलब टेलीग्राम चैनल मतलब आपको वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली एक लाइक जरूर करके जाना जिससे कि मोटिवेशन मिले और चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर रेड बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा उसको दबाना उसको दबाने के बाद आपको घंटी दिखाई देगी बेल आइकन दिखाई देगा उसको दबाना उसको दबाने का फायदा यह है कि वीडियो की नोटिफिकेशन या मैसेज आपको सबसे पहले आएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा और वीडियो और चैनल को दोस्तों फ्रेंड्स से याद शेयर करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल और कमेंट में कोई भी डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन पूछोगे सबका रिप्लाई मैं देने वाला जैसे ही रीड करूंगा और एक अच्छा सा तो कमेंट लिख सकते हो जिसे देख के दिल खुश हो जाए और यहाँ पे बात करते हैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है आपको दो तरीके बताया मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में लिंक होगा आपको इस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना अगर लिंक काम नहीं करता तो फिर आपको सर्च करके करना तेरे ड्रीम इलेवन डॉक्टर तेरह से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे ग्रैंड लिंक में रैंक वन की फोटो लगेगी मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ जय हिंद दोस्तों बाय बाय